हाँ बोलिए। सर बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेरा माइक से आवाज आ रहा है क्या? अच्छा हाँ की अभी गया। सो आई विल बी राइटिंग द क्वेश्चन हियर। सी ये अमाइन है एंड यू आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ अमाइन विद द एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, यू आर गेटिंग समथिंग, इन दैट समथिंग यू आर एडिंग ए जी ओ एच सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड यू आर हीटिंग दिस। आई एम जस्ट राइटिंग योर ए, देन यू आर गेटिंग द बी, इन द बी यू आर अगेन एडिंग मिथाइल आयोडाइड, यू आर गेटिंग द सी, एंड देन अगेन यू आर गोइंग टू एड यर ए जी ओ एच एंड अ हीट। सो डी, वी हैव टू फाइंड आउट द डी, वॉट इज द डी। ठीक है, नाउ द मिथाइल आयोडाइड जो है ये पहला नाइट्रोजन का लोन पर अटैक करेगा मिथाइल के ऊपर और यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग द क्वाटरनरी अमोनियम। ठीक है, तो जैसे ही आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी देयर, नाउ दिस इज द सी एच थ्री विद द पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपका ए, दिस इज द ए। नाउ यू आर एडिंग हियर बेस, ए जी ओ एच जो है ये बेस का काम करेगा। अब ये जो ए जी ओ एच है ना, ये ब्रेक डाउन करेगा, दो फॉर्म में हो जाएगा, ए जी प्लस एंड ओ एच माइनस पे। हमको पता है ये बेस का काम करता है, तो बेस का फंक्शन क्या होता है? बेस डज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, उसका काम होता है प्रोटॉन को खींचना। तो देखिए, ये जो नाइट्रोजन विद द पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और यहाँ पे भी अल्फा है। सो राइट और लेफ्ट में दोनों अल्फा, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो हम लोग कोई भी अल्फा को पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, बीटा से उठाते हैं, अल्फा से नहीं। ऑलवेज एलिमिनेशन हैपेंस फ्रॉम द बीटा, दिस इज बीटा, ये ऊपर वाला बीटा है। तो हम लोग कोई भी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो निकाल देंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया और ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, नाइट्रोजन सी एच थ्री हाइड्रोजन, उसको एक लोन पेयर मिल गया और ये हो गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये बी है, दिस इज द बी। नाउ अगेन यू आर एडिंग हियर मिथाइल आयोडाइड, अगेन यू आर एडिंग हियर मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा? वही काम करेगा जो इसके पहले कर रहा था। तो वो जो आपका नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दिस इज गेटिंग ब्रोकन ब्रोकन इन द फॉर्म ऑफ, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से आई माइनस निकल जाएगा। सो सेम प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इट हियर, नाइट्रोजन सी एच थ्री एच विद द पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन को फिर से वहां से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो बीटा कार्बन है उसके पास, देखना पड़ेगा। यस, देयर इज अ बीटा, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, तो एच एच, तो उसका इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ से निकल जाएगा। सो जो फाइनली आपको जो डी मिलने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा। एवरीवन गॉट दिस क्लियर? थ्री मिथाइल पेंटाडाइन। ठीक है,
किसी को कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर? ओके, आफ्टर दिस इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन को. यह हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू फॉलो किया गया है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन कुछ उसी के जैसे मिलता जुलता है, बट यू हैव टू ट्राई योर ओन, देन आई विल टेल यू. यू हैव साइक्लोहेक्सेनोन, यू हैव टू फिनाइल हियर, पीएच पीएच हियर बी आर. नाउ एनएच टू OH आपने ऐड किया, तो मुझे बताइए पहला स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पे? सर ऑक्साइड फॉर्म. हाँ बहुत बढ़िया, तो मैं पहले तो पूरा रिएजेंट लिख देता हूँ. तो A मिला, A के अंदर हमने ऐड किया रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज LiAlH4. आई एम गेटिंग B, इन द B आई एम एडिंग मिथाइल आयोडाइड, वो भी एक्सेस में है. मुझे C मिला और C के ऊपर मैंने ऐड कर दिया AgOH एंड देन हीटिंग कर दिया, तो मुझे D निकालना है. तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे, तो जो A मिलेगा ये हो जाएगा आपका ठीक है, बराबर है. अब इसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर रहे हो, तो ये जो बेसिकली है दिस इज गोइंग टू गिव यू अमाइन, तो जो बी मिलेगा वो हो जाएगा आपका अमाइन NH2. दिस इज पीएच बीआर ठीक है. अभी आपने एक्सेस में ऐड कर दिया मिथाइल आयोडाइड, तो आपको पता है ये मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा? नाइट्रोजन का लोन पर मिथाइल से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है. फिर जैसे ही वो बॉन्ड बनाएगा आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है उसके पास, एंड दिस इज CH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज. तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, और इसके पास दो फिनाइल है. तो जो दो फिनाइल वाला बीटा कार्बन है उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वहाँ से तो ये जो है ये आपका सी है. अब वहाँ से तो हाइड्रोजन निकलने का सवाल ही नहीं है, तो जो लेफ्ट साइड वाला है वहाँ से निकलेगा, जो लेफ्ट साइड वाला है वो आपको डीप्रोटोनेशन करके देगा. तो जब वो डीप्रोटोनेशन करके देगा, सो वी आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट. सी ये एक प्रोडक्ट है जो कि करेक्ट प्रोडक्ट है, अगर किसी ने एमसीक्यू में ये वाले प्रोडक्ट को टिक कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, ये अपने आप में गलत है. क्यों गलत है? आपको दिखता रहेगा 5 बॉन्ड्स आर देयर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो ये क्वेश्चन के अंदर भी प्रीवियस वाला ही कंसेप्ट लगा है, बट ये अलग क्वेश्चन है. यस, ये भी सबको समझा? नाउ आफ्टर दिस अभी दो अलग अलग और कंसेप्ट देखेंगे हम लोग. यू हैव अ अमाइड, सॉरी ईस्टर, दिस इज द ईस्टर. नाउ इन द ईस्टर यू आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस,
ईस्टर को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलता है? एसिड एंड अल्कोहल. क्या मिलता है? एसिड एंड अल्कोहल. ठीक है, ठीक है. तो हमको मिल रहा है पी प्लस क्यू. अब पी जो है उसके अंदर आपने ऐड कर दिया अमोनिया और उसको हीट किया, सो यू आर गेटिंग समथिंग एक्स. वो एक्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. आई एम गेटिंग वाई. इन द वाई आई एम गोइंग टू ऐड HNO2 नाइट्रस एसिड. आई एम गेटिंग जेड. सो मेरे को जेड फाइंड आउट करना है क्या हो सकता है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम. मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे. सबसे पहला मेरे को बताइए पी का नाम क्या होगा प्रोडक्ट का और क्यू का नाम क्या होगा प्रोडक्ट का. व्हाट इज द नेम ऑफ पी? सर हाँ बोलिए. पी मिथाइल. ओके, थ्री मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड गलत है, टू मिथाइल होगा ब्यूटेनोइक एसिड. नंबरिंग आपने राइट साइड से करना, आपने लेफ्ट से किया. ठीक है ना, एसिड के अंदर जैसे आप पानी ऐड करोगे तो वो आपको दे देगा अमाइड. क्या दे देगा? अमाइड. This is the amide. Clear है? And whenever you add, ये आपका Hoffman degradation है, तो आपको पता है एक कार्बन वहां से निकल जाएगा. ठीक है, तो जैसे वहां से कार्बन निकल जाएगा आपको क्या मिलेगा वहां पे? This is going to give you amine. Okay, अब ये जो है आपका प्राइमरी अमाइन है और प्राइमरी अमाइन के अंदर जब आप ऐड करते हो HNO2, सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? कैन एनीवन टेल मी? इतना टाइम लोगे तो फिर MCQ तो आपका 100% छूटेगा. अल्कोहल मिलता है. क्या मिलता है? अल्कोहल. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अल्कोहल. तो ये आपका Z है. दिस इज द Z. Is it clear to everyone? Sir, but P में हमने water नहीं add किया है. इसमें? नहीं नहीं कुछ. हाँ. Okay. So ये मैंने तीन question लिए थे. अभी दो तीन और कराऊंगा मैं. यहाँ तक किसी को कोई doubt है तो please मुझे बताना. नहीं sir. अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा ऑप्शन इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा है. तो सब लोग मेरे साथ नोटबुक में बना के लेंगे इसका स्ट्रक्चर. व्हेन आई एम ड्राइंग ऑन द स्क्रीन यू विल आल्सो मेक इट इन योर नोटबुक. नाउ सी, no, you are adding here first bromine plus KOH and then you are doing the heating. तो आपको यहाँ पे final product जो है वो design करना है. इसका option भी दिया है but I'm not putting the option here. We'll apply our theory जो हमको समझा है वो हम apply करेंगे फिर हम लोग उसके आगे देखेंगे. So स्टेप नंबर वन में क्या हो सकता है कोई बताएगा मुझे? हाँ
हाँ बहुत बढ़िया। तो आपको जो ब्रांच दिया गया है, ब्रांच में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है अभी? अमाइड और एस्टर, हाँ, तो वो किसको रिड्यूस कर देगा? अमाइड को वो अमाइड हाँ अमाइन में कन्वर्ट कर बहुत देगा। बढ़िया। तो जैसे आपने ब्रोमीन प्लस ये ऐड किया आपका KOH, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। नो, दिस मे बी गिवन इन द ऑप्शन, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है? ओके नाउ, बट ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, सेंटर मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों अगर एक साथ आ जाए तो वो लोग कैसा है ना कि दे कैन नॉट रिमेन द सेपरेट, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ईच अदर, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। नाउ द नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो वो एक लोन पेयर क्या करेगा, वो अटैक करेगा इसके ऊपर और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमको नया स्ट्रक्चर मिलेगा ये वाला। ठीक है, अब जैसे ही नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रॉन के लिए डेस्परेट है, ठीक है? तो क्या करेगा, वो डीप्रोटोनेशन कर देगा यहाँ से, और जैसे ही डीप्रोटोनेशन करेगा वहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो पूरा हो जाएगा, बिकॉज उसने नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन उसको दे के गया। सो वी आर गेटिंग दिस स्ट्रक्चर। देखो जो अल्कोक्साइड्स होते हैं ना, अल्कोक्साइड दे आर द गुड लिविंग ग्रुप, मतलब कैसा है ना कि उनको निकालना नहीं पड़ता ग्रुप में से, वो अपने आप निकल जाते हैं। जैसे हैलोजेंस होता है ना, हैलोजेंस में आयोडीन जो होता है वो एक तरह से बेस्ट लिविंग ग्रुप है, उसके बाद तुम्हारा BR आता है, फिर तुम्हारा क्लोरीन आता है। फ्लोरीन मतलब ऐसा ग्रुप है जो निकलता ही नहीं, तो उसको जबरदस्ती सिस्टम से निकालना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो आपका अल्कोक्साइड होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड लिविंग ग्रुप, सो दिस इज द मेथॉक्साइड। तो अभी क्या होगा, ये जो नाइट्रोक्सीन के ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, तो उसका लोन पेयर जो है ना अंदर की तरफ एंट्री मारेगा, तो ये जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री मारेगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से पूरा का पूरा ग्रुप ये लेके निकल जाएगा। अगर वो नहीं निकलेगा तो कार्बन को 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि हाईली अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। वो लोग MCQ में कंफ्यूज करने के लिए और भी बहुत कुछ दे सकते हैं, बट अगर बच्चे ने खुद से करके निकाला है इसका फाइनल प्रोडक्ट, या वो सीधा मैच करेगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन में दिया है, ABCD में से, ठीक है? किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज मुझे बताना। इफ एनीबडी हैव नॉट अंडरस्टूड एनी लाइन तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझा सर। ओके चल, बहुत बढ़िया। नाउ ये क्वेश्चन कुछ सॉल्व किया हुआ सा आपको लगेगा, और इसका आंसर मैं आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
चलो बताइए इसका आंसर एवरीवन। फटाफट देखो इसको, 10 सेकंड में करने का क्वेश्चन है। सर अमाइन मिलेगा। हाँ सही बात है, अमाइन मिलेगा, फैंटास्टिक। नाम क्या होगा उसका बेटा? आपको फिलहाल 3 कार्बन तो दिख ही रहा है ना, तो जब आप हॉफमैन डिग्रेडेशन लास्ट का जो स्टेप है वो हॉफमैन डिग्रेडेशन है, तो 3 कार्बन से आप स्टार्ट करोगे इथेनामाइन। हाँ तो यू विल बी गेटिंग द 2 कार्बन का, तो सी इज गोइंग टू बी इथेनामाइन। तो ये सीधा मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखा है। अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। सर डिस्कस किया रहेगा, वो रियली बोला रहूंगा, जब कभी भी एलिमिनेशन होता है ना, तो एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंटी पेरिप्लिनर। एलिमिनेशन इज ऑलवेज एंटी पेरिप्लेनर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो लिविंग ग्रुप है और जो एटम का इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आने वाला है, ठीक है, दे आर इन द, बोलते ना 180 डिग्री पे होने चाहिए वो, लाइक 180 डिग्री, तो उसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। जैसे आपके पास ये ग्रुप दिया गया है, नाउ अभी इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप मैंने रखा है क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है जिस कार्बन से लगा हुआ है, उसके सामने वाला जो कार्बन है उसके पास अगर हाइड्रोजन या कोई दूसरा ग्रुप है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा और ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज आइडियली एंटी पेरिप्लेनर। ओके तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला वो देखो, इस जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसके अंदर जरा ध्यान से समझना। ये एक्चुअली क्या मालूम, ये बोट फॉर्म है, सॉरी चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली ऐसे दिखता है बट मिलता ऐसे नहीं है, वो मिलता है या तो चेयर फॉर्म में मिलता है या तो बोट फॉर्म में मिलता है, या तो हाफ चेयर में मिलता है, फिर ट्विस्टेड बोट में मिलता है। सी दिस इज द क्वेश्चन, अभी इसके पास जो है ये पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो वर्टिकल पोजीशन होती है उसको एक्सियल बोलते हैं। ये पोजीशन जो डॉटेड से दिखा रहा है इसको एक्सियल बोलते हैं, और जो मैंने थोड़ा टिल्टेड किया उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। दिस इज द इक्वेटोरियल। नाउ अभी ये इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पे एक कार्बन है, उसके पास CH3 है, और डॉटेड लाइन के ऊपर भी एक CH3 है, और एक नाइट्रोजन है विद 3-methyl। ठीक है, विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, बेस ऐड कर दिया। क्या कर दिया? बेस। अब आपको पता है बेस का काम क्या होता है? बेस हैज अ फंक्शन ऑफ डूइंग द एलिमिनेशन। बेस हैज अ फंक्शन ऑफ डूइंग द एलिमिनेशन। अब मेरे को जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है वो यहाँ पे मैं ऑप्शन भी लिखूंगा, सो दैट मैं जो बोलूँ आपको समझ में भी आए। जस्ट लेट मी स्क्रॉल दिस। सी
पहला ऑप्शन यहाँ पे ये बन सकता है, ये आपका पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, नो ठीक है, ये CH3 है, यहाँ पे कार्बन है। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस। अब जो नाइट्रोजन लग रहा है, अब उसके बगल में देखो, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो बीटा वन करता हूँ, बीटा टू करता हूँ और बीटा थ्री करता हूँ, तो उसके पास तीन बीटा है। अगर बीटा वन से हाइड्रोजन को निकालेंगे, बीटा वन से, तो अपने को ऑप्शन नंबर वन मिलेगा। अगर बीटा टू से निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? हाँ, सी मिल रहा है। तो अब मेरे को ये बताइए, आप लोग जरा थोड़ा सा ये समझिए, ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है? क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो क्या है, तीनों से पॉसिबिलिटी है। अब उसने दोनों का जो पॉसिबिलिटी था वो दोनों दिया ही है, बीटा वन से और बीटा थ्री से। सो व्हाट इज दिस पॉसिबल प्रोडक्ट हियर? सर ऑप्शन टू। ऑप्शन टू तो आपने गामा से निकाल लिया भाई, ये गामा है ना, अल्फा बीटा गामा। जब गामा से निकालोगे तो वहां से तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी। सर ऑप्शन वन है। ऑप्शन वन बोल दे आप। ओके, ऑप्शन वन क्यों आपको लग रहा है भाई, ऐसा क्या है उसमें? सर क्योंकि डबल बॉन्ड में ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा है। ओके ठीक है, समझा आपका मतलब, यू आर गोइंग विद दिस। अगर आप सेकंड वाले को पिकअप करते हो तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो देख के बता रहे हो क्या? ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा का, अल्फा हाइड्रोजन 2, 2, 4 और ये 5 है, 5 अल्फा कार्बन है। अगर आप इसको देखोगे तो इसके पास कितना है, 3 और ये 4 अल्फा कार्बन। तो बेस्ड अपॉन अल्फा कार्बन, अगर किसी बच्चे ने इसको पिकअप कर लिया, टुक कर लिया, ठीक है, तो एक्चुअली डोमिनेटिंग प्रोडक्ट नहीं है। डोमिनेटिंग प्रोडक्ट तुम्हारा ये है, थर्ड वाला है। वाई थर्ड वाला? बिकॉज यहाँ पे जो है आपने स्टीरियो केमिस्ट्री का रोल नहीं लगाया, आपने सीधा अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन वाले के हिसाब से मोर इज अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड टू द डबल बॉन्ड वाला लॉजिक से बच्चा करेगा तो उसको सेकंड वाला आ जा रहा है, बट जो सेकंड वाला है वो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर है? तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो देख लो। सिंपल, दो रीज़न आप यहाँ पे लगा सकते हो। कॉमन जो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रीज़न लगता है वो लगता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो लॉजिकली जो बीटा टू है उसको कुछ क्राउडिंग ही नहीं है भाई। अब बीटा वन तो भाई घिरा हुआ है, बीटा वन जो है वो पूरा का पूरा इतने बड़े ग्रुप से घिरा हुआ है, तो जब OH- उधर एंट्री मारेगा तो उसका H निकालने का उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। सो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस द बीटा वन कैन नॉट, अगर बीटा वन से हाइड्रोजन निकलता ना तो मैं
इसको पिकअप करता हूँ, किसको, फर्स्ट वाले को, और फर्स्ट वाले के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, 6 और 6 4 10 है, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, बट पहला वाला रिजेक्ट हो गया, दूसरे वाले का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगा क्योंकि हम लोगों ने गामा से निकाला, तो बच्चा कन्फ्यूज होगा पहले और तीसरे में। अब उसमें से उसने अगर स्टेरिक हिंड्रेंस को कंसिडर नहीं किया तो वो तो पहला वाला ही पिकअप कर लेगा, तो पहला वाला जो है वो थोड़ा सा स्टेरिकली क्राउडेड होने की वजह से बीटा आपका जो अपना कार्बन है उसको वहाँ से हाइड्रोजन निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो वो कहाँ से निकालेगा, राइट साइड वाले से निकालेगा, दैट इज अ बीटा टू, एंड वी विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट थर्ड वन। इसको लिख लेना इसका क्या रीजन दिया है मैंने, एवरी वन सभी को समझा? यस सर। हाँ, तो बोलने का मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो थोड़े से लॉजिकली जो लग रहा है उसका आंसर वो नहीं होगा, तो वो दिमाग में पढ़ा रहेगा पहले से स्टोर रहेगा, तो वो टाइम पे क्लिक कर जाता है, जब उन्हें पहले से पढ़ा ही नहीं है तो फिर वो चांस नहीं है। ठीक है, नाउ तो मैंने ऑलमोस्ट कुछ 5-6 ही क्वेश्चन लिए थे इसमें से, ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बुकलेट के अंदर दिया है, नौ एक दो और मैं देख लेता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज इसको भी पूरा डिस्कस करूँगा, कमिंग लेक्चर से मैं माइंड स्टार्ट करूँगा। हाँ, सर अमाइन से हो गया ना? अमाइंस का एमसीक्यू जो था उस बुकलेट के अंदर जो आपको दिया गया था, बुकलेट के अंदर दिया था ना जो, हाँ सर, हाँ वो तो मैंने बोला था आप लोग उसमें से ये करो, बिकॉज़ अपन ने जो क्वेश्चंस वाले थे वो करवाए थे। नहीं सर, आपने अभी बोला नेक्स्ट लेक्चर से हम अमाइंस स्टार्ट करेंगे। अमाइंस नहीं, सॉरी, पॉलीमर है, पॉलीमर पॉलीमर करेंगे, अमाइंस तो हो गया है। हाँ, अभी जो है No, the product of this particular reaction we have to recognize. तो सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पे क्या पास किया है? We are doing the reduction. So now the reduction, मैं इसमें क्या करूँगा, ऑप्शन में लिख के दूंगा क्योंकि ये थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन है। This is the first option. Now, everyone just take a 1 minute thought about this and then tell me the option which is going to be the correct one according to you. सोचिए ABCD 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है।
किसी को आ रहा है तो बताओ मुझे, नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं, एटलीस्ट रोल ऑफ द रिएजेंट तो पता होना चाहिए, पहला स्टेप पे क्या होगा दूसरे स्टेप पे क्या होगा। ठीक है मैं बताऊं, किसी को नहीं आ रहा तो इफ एनीबडी इज नॉट गेटिंग मैं बताऊं यहां पे। हां सर। नाउ द स्टेप नंबर 1 जो दिख रहा है आपको, आपने रिडक्शन कर दिया, क्या कर दिया, रिडक्शन। इफ यू डू द रिडक्शन ऑफ कीटो ग्रुप एंड द साइनाइड ग्रुप, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, तो जो साइनाइड है ना वो आपका बन जाएगा अमाइन। So, I will be getting this product, OH. ये C triple bond N रहेगा तो CH2 NH2 हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके अभी क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये दो ऑक्सीजन और ये आपका ऑक्सीजन और ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे से जॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये सब सीईटी में नीट में नहीं आएगा, जेई में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इसमें नहीं पूछेंगे लोग, इसमें पूछेंगे तो बच्चा पागल हो जाएगा। If this kind of questions are coming, okay. Now, अभी थोड़ा सा और complicated question देखो, Hoffman degradation का ही example है, but चलो Hoffman के पहले ये देख लेते हैं, cyclopentane है आपके पास, and this is the OH. This is NH2. What you are doing here? You are passing the NaNO2 plus ice. So we are getting the X. What is the X? We have to just recognize here. Option दे देता हूँ मैं, so that आपको easy करेगा. So what is the possible answer? थोड़ा सोचिए और फिर बताइए मुझे इसके बारे में। ऑप्शन वन ओके। आपने पहले स्टेप में क्या किया? सर डाइजोनियम क्लोराइड बना। हाँ फिर? फिर उसका सर डाइजोटेक्सिल हाइड्रोलिसिस करके OH। अच्छा ठीक है ओके। गलत तो है ही, वो गलत है सी। आपने यहाँ पे जो है ना, CH2 bond N, triple bond N with a positive charge and a Cl minus. अभी क्या होगा, आप इसके ऊपर, ये तो आपका मिक्सचर ही हो गया ना NaNO2 plus this diazotizing करने के लिए। अब यहाँ पे उसने अलग से बताया नहीं है कि we are adding this, क्योंकि देखो
यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये यहाँ से टूटेगा और ये निकल जाएगा और N2 गैस बन के निकल जाएगी, तो इसको चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे ही CH2 को चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर एक इसको दे देगा और फिर वहां से प्रोटॉन निकाल देगा, एंड दैट प्रोटॉन विल कंबाइन विद सी एल माइनस और वो HCl बन जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन फोर्थ वाला। समझ में आ रहा है सबको? केमिस्ट्री ऐसे ही है भाई, जो दिखता है वो होता नहीं है। यू हैव टू जस्ट ट्राई, देन यू ट्राई योर ओन, देन यू कम टू नो हाँ इसका तो आंसर ये है। बोलने का मतलब ये सब क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, एग्जाम में आएगा तो मैं टिक कर लूँगा, या तो मेरे को कंसेप्ट पता रहेगा। तो सभी को समझा ये क्वेश्चन? लोग ऑर्गेनिक को बहुत, अपने को कैसा लगता है ऑर्गेनिक बहुत इजी है? एक्चुअली इजी है अगर आपने सारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अदरवाइज क्या होता है ऐसा उसमें गुगली आता है ना, अपने को समझ में नहीं आता है इसका प्रोडक्ट तो दोनों लग रहा है, ए भी लग रहा है बी भी लग रहा है, जबकि न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं। न्यूमेरिकल इज अ कैलकुलेशन, वो तो किया तो श्योर एंड शॉर्ट एक ही आंसर मिलने वाला है, अनलेस योर न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग, बट ऑर्गेनिक में डाउट हमेशा बना रहता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यू हैव अमाइड हियर, इन द अमाइड यू आर गोइंग टू एड ब्रोमीन प्लस KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब इसका भी मैं ऑप्शन आपको दे दूंगा, चलो मेरे को जरा ऊपर वाले क्वेश्चन पे फिर से जरा जाना है, जाऊंगा। एक मेरे को चीज याद आया उसके अंदर, चलो इसको मैं पहले समझा दूँ फिर जाता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन अपने को दिया गया है कि इस प्रकार, अब ये चार ऑप्शन दिए मेरे को, ऊपर वाले में एक चीज याद आ गई, लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, मेरे माइंड से निकल गया था। देखो अभी यहाँ पे जो है एक पॉसिबिलिटी और बन सकती थी, क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी पता है? मैंने रिंग एक्सपांशन नहीं बताया, क्या रिंग एक्सपांशन का मैंने कंसेप्ट यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इपॉक्साइड भी बनेगा और इपॉक्साइड के साथ साथ में आपने देखो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी यहाँ पे जो सेकेंड है ना, इसका भी बनने का चांस है, कैसे बनने का चांस है वो देखो। How the possibility of second is getting generated here? तो जैसे ही आपको ये मिला ना ये, तो अभी रिंग यहाँ पे हो जाएगी एक्सपांड, एक्सपांशन ऑफ द रिंग, हाउ इट इज हैपनिंग सी। CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो अभी क्या होगा पता है? ये ऑक्सीजन का जो है ना लोन पेयर अंदर शिफ्ट मारेगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ, ये कनेक्टेड है रेड वाला, ये वाला बॉन्ड ये वहाँ से टूट के इसके पास आ जाएगा,
अब जो रिंग है ना, रिंग आपकी वो हो जाएगी टोटल 6 मेंबर रिंग, ठीक है। और पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी इसकी, तो यहाँ से डी प्रोटोनेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें स्ट्रेन जो है ना वो कम होता है, स्ट्रेन जो है वो कम होता है। मतलब जैसे जैसे रिंग का साइज छोटा होता जाता है ना, उसके अंदर स्ट्रेन उतना ज़्यादा आता है, तो वो मॉलिक्यूल आपका जो रिंग है वो उतना अनस्टेबल होता चला जाता है। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यहाँ पे सेकंड वन है, ठीक है। रिंग एक्सपांशन यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है। आप लोग लिख लेना नोटबुक के अंदर, रिंग एक्सपांशन होने से क्या होता है, जो उसका स्ट्रेन है ना वो रिलीज होता है। अगर कोई 3 मेंबर से 4 मेंबर बन रहा है या 4 से 5 या 6 बन रहा है, तो उसका स्ट्रेन है वो रिलीज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है और मतलब ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द मोस्ट करेक्ट, ये ऑप्शन 4 नहीं है, ओके। इसको जरा नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने, ये दिमाग से निकल गया था मेरे, ऑप्शन देखा तो याद है। आफ्टर दिस जो नीचे वाला मैंने लिखा है उसको भी जरा देख लेते हैं, उसका तो आपको खुद से ट्राई करना है। ये तो सीधा आग बंद करके इसका आंसर बताना जी आपको, एबीसीडी 1 2 3 4 में से क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। सर वैसे तो फ्री ही आ रहा है। हाँ वैसे तो वही आंसर ही है ना उसका, ऊपर भी अमाइड है नीचे भी अमाइड है, दोनों जगह से एक एक कार्बन हटा दो, ठीक है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 1.2 डाइथाइल अमाइन, डाई ये 1.3 इथेनामाइन। जस्ट वन मिनट, मैं पिन कर गया। This is the product. Okay. So I hope ये सभी को समझा रहेगा। मैंने कुछ 7-8 ही क्वेश्चन लिए, ज़्यादा तो मैं उतना ले नहीं सकता हूँ। जस्ट मेरे को ये कंसेप्ट बताना था कि अपन जितना पढ़ रहे हैं और अपन करेंगे तो अपना चांसेस थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा ऑफ गेटिंग द गुड स्कोर इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आपका जो बुकलेट है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, यू कैन गेट मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप सर्च करिए, यू विल बी गेटिंग दिस। अदरवाइज मेरे पास हिमांशु पांडे का पीडीएफ का बुकलेट है, मैं सर को भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। बट ये पहले नहीं कर रहा है, पहले आपको अपना जो क्लासेस का नोटबुक है और एमसीक्यू का बुकलेट है वो सॉल्व करने के बाद, दोज हु आर एक्चुअली हाईली बोलते ना ब्रिलियंट है वो उनके लिए बुक है, सबके लिए बुक नहीं है, ओके। सो अभी मैं 10 मिनट ही अपने पास है तो मैं अभी नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर सकता। मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन करने का प्लान किया था, कल अपना लेक्चर है, सो टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग द पॉलीमर सिनॉप्सिस करके मैं सीधा एमसीक्यू के ऊपर ही जाऊंगा। किसी को कोई डाउट है अमाइंस में तो प्लीज़ डिस्कस करिए यहाँ पे, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। एनी डाउट टू एनीवन? ओके, तो ठीक है, मैं फिर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ओके। सो कल हम लोग मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।